मुजफ्फरपुर जंक्शन आने वाली गई ट्रेन लेट, जनसाधारण एक्सप्रेस 17 घंटे देर से पहुंची, यात्रियों को हो रही परेशानी। मुजफ्फरपुर में अधेड़ का मर्डर, लेन देन के विवाद पर घुसकर मारी गोली, 5 लाख रुपए लूटने का आरोप। बीजेपी प्रदेश महामंत्री सह बुचहापुर विधायक बीबी कुमारी ने गुलाल लगाकर माता को दी नम आंखों से विदाई। नवादा में दो बाइक चोर को लोगों ने पकड़ा, बाइक ले जाते हुए मालिक ने देखा, चिल्लाने के बाद लोगों ने पकड़ा, फिर जमकर की धुनाई। नवगछिया और कटिहार में ट्रेन से 1083 कछुए बरामद, 5 महिला सहित 8 तस्कर गिरफ्तार, बंगाल के रास्ते विदेश भेजने की तैयारी। लता मंगेशकर के निधन पर बिहार में शोक, भोजपुरी से लेकर मैथिली में भी गाया था गाना, सीएम नीतीश ने बताया अपूर्णीय क्षति। बिहार का हरियाणा कनेक्शन लाएगा बारिश, दो राज्यों के बीच ट्रफ रेखा के गुजरने से 24 घंटे में बारिश का मौसम, कोहरे का भी असर। गायघाट रिमांड होम मामले में कोई खेल तो नहीं, पीड़िता का बयान लिए, 48 घंटे बीत गए पर कॉपी पर साइन तो दूर पढ़ाया तक नहीं। रोहतास में नहर के पास से युवा का शव बरामद, घटनास्थल के पास से बाइक भी बरामद, मृतक की नहीं हो सकी है पहचान। 20 फीट का अजगर निकल रहा मुर्गा मुर्गी, बगहा में बकरी के बच्चे भी गायब होने लगे थे, लोगों ने पकड़ा फिर वन विभाग को सौंपा। कोरोना का बहाना बनाकर प्रसव करने से कतरा रहे स्वास्थ्य कर्मी, मरीजों को कर दिया जा रहा रिफर, सीएस ने स्वास्थ्य कर्मियों को 1 सप्ताह का दिया अल्टीमेटम। गया के संदीप की अंतिम इच्छा, अब पीएम से मुलाकात, दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होकर चल फिर नहीं सकते, दिल्ली एम्स ने भी खड़े किए हाथ। तेज प्रताप अब बने राम, तेजस्वी को बताया लक्ष्मण, मंत्री जीवेश मिश्रा और राम सूरत राय को बताया मारिच सुबाहू, कहा राम लक्ष्मण करेंगे वध। पटना में स्कॉर्पियो और ऑटो में जबरदस्त टक्कर, 1 महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया। नालंदा में एक ही परिवार के कई लोगों को पीटा, सरस्वती पूजा के दौरान अश्लील गाना बजाने का किया विरोध, तो बदमाशों ने की पिटाई। सीतामढ़ी में 50 केंद्रों पर इंटर परीक्षा, 14 फरवरी तक बेंच डेस्क उपलब्ध कराने का निर्देश जारी, 49,468 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। इंटर परीक्षा में 3,095 छात्रों ने छोड़ी परीक्षा, पहली पाली से ज्यादा दूसरी में परीक्षा छोड़ने वाले, पिछले 4 वर्ष पेपर के बाद 2,795 स्टूडेंट्स ने परीक्षा छोड़ी। बिहार में हटी कोरोना पाबंदियां, कल से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे 9वीं से ऊपर के स्कूल कॉलेज कोचिंग, 8वीं तक के स्कूलों में 50% उपस्थिति। गया में कोचिंग संचालक की हत्या, रेलवे ट्रैक पर फेंका शव, सरस्वती पूजा के दौरान हुई थी नोकझोंक, इसके बाद शाम से ही था लापता युवक, सुबह मिली लाश। गोपालगंज में 2 साल बाद शुरू होगी ट्रेन सेवा, थावे सीवान रेलखंड पर 10 फरवरी से परिचालन शुरू, यात्रियों को होगी सहूलियत। बक्सर में ट्रेन की चपेट में आया इंटरमीडिएट छात्र, मौत, ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आया, इलाज के दौरान हुई मौत। नवादा में कौवाकोल थाने के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस पर लगाया पीटने का आरोप, पुष्पा फिल्म का डायलॉग भी बोला, थानाधीश बोले आरोप सरासर गलत। पूर्णिया में चिंगारी से लगी 10 घरों में आग, घर के अंदर कई कीमती सामान जलकर आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। मुक्तिधाम के बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरह ड्रेस पहनेंगे, सभी को दिया गया ड्रेस कोड, लास्ट पर से बताशा चुनने वाले बच्चों में जगाई शिक्षा की अलख। आम के बगीचे में मिली 15 लाख रुपए की शराब, समस्तीपुर में खड़ी ट्रैक्टर के ट्राली से मिली 6,000 बोतल देशी पिस्टल और गोली बरामद। बिहार शरीफ का युवक शादी से पहले हुआ लापता, 10 फरवरी को होनी है शादी, 4 फरवरी से ही घर से हुआ गायब। खगड़िया में 12 राउंड फायरिंग, एक युवक की मौत, सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान भीड़, 2 गुट, डीजे बजाने, नाचने के विवाद में हुई गोलीबारी। रोहतास में 2 डंपर के बीच भिड़ंत, ओल्ड जीटी रोड पर हुआ हादसा, दोनों डंपर पर लदा था बालू, खलासी की मौत। बक्सर में 24 घंटे के भीतर 23 लोग हुए स्वस्थ, 1,565 लोगों में सिर्फ 7 लोग पाए गए संक्रमित, संक्रमण की रफ्तार बेहद कम हुई। कटिहार में अस्पताल जाने वाली सड़क हुई जर्जर, मरीजों को ले जाने में हो रही परेशानी, दुर्घटना का भी हमेशा रहता है डर। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।